सभी से प्यार की ताकत का एहसास बटन दबने के साथ हमारे भाई को होनी चाहिए, ताकि अगली बार फिर मंच पे खड़े होकर कहें कि भगवान अगली बार जन्म लेगा तो पटेल समाज में लगा जाएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश में 5 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। अब मैं पूरे जिम्मेदारी से आपके बीच में कहना चाहती हूँ कि इन 5 चरणों में तमाम राजनीतिक दल कह सकते हैं कि चारों तरफ हमारी हवा चल रही है। कोई राजनीतिक दल का गठबंधन कह सकता है कि हमारी तो हर सीट पर आग ही चल रही है। मैं आपसे कहती हूँ कि अपना दल और भाजपा गठबंधन की ना कोई हवा चल रही है ना कोई आंधी चल रही है, क्योंकि अगर हमारा कुछ चल रहा है साथियों तो सुनामी चल रही है, और जब सुनामी आती है ना तो उसके आगे ना कोई हवा टिक पाती है ना किसी आंधी की कोई हैसियत होती है। उस तरीके की सुनामी आज अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की आई है, और इसलिए आई है साथियों, ये बेवजह नहीं आई है, इसका कारण है। और इसका कारण है कि पिछले 1.5 दशक के कुशासन, भ्रष्टाचार, लूट खसोट की पूरी व्यवस्था से उत्तर प्रदेश की 21 करोड़ जनता और 14 करोड़ मतदाता त्रस्त हो चुका है। उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहता है, एक ऐसा बदलाव, एक ऐसा परिवर्तन जो उत्तर प्रदेश को खुशहाली और विकास के सामाजिक न्याय के मार्ग पर ले जाने का काम करे। और उसने आजमा कर देखा है कि आज हमारे सामने जो 3 विकल्प दिखाई पड़ रहे हैं, एक और बहुजन समाज पार्टी है, एक और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, और एक और अपना दल और भाजपा का एनडीए का गठबंधन है। बहुजन समाज पार्टी के हालात तो ये हो चुके हैं कि आजकल उनके हाथी को पीपल का पत्ता खाने को नहीं मिल रहा है, वो नोटों की गड्डियां खाता चला आ रहा है, और 1.5 दशक से नोटों की इतनी गड्डियां खा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के हाथी की सेहत पतली हो चुकी है। मैं भारत सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री के बीच में आपके बीच आई हूँ, और भारत सरकार देश के तमाम राज्यों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत तमाम धनराशि मुहैया कराती है, जिससे राज्य के मतदाताओं का, विशेष रूप से गरीब जनता का दवा, इलाज, उपचार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कराया जा सके। और उसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ था तो 2007 की बहुजन समाज पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हुआ। आज ये बाबा साहेब अम्बेडकर और माननीय कांशी राम जी के मिशन